जब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बन के बहुत ज़्यादा हेट वेट आ रहा था मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी और द मेजर रीजन दैट आई गॉट वेरी अपसेट वाज बिकॉज इट वाज नॉट ओनली जस्ट मी बट द इन्वॉल्व माई फैमिली ऑल्सो भाई रेडियो सीरीज नाइनटी वन पर अगर मैं ये कहूँ कि शी इज़ प्रॉबली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स ऑन द इंटरनेट राइट नाउ मैं एक्चुअली ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही होंगी बिकॉज दैट्स वॉट शी इज़

आप स्माइल भी करोगे तो उसको भी इतने लाइक्स मिलेंगे क्या हैज इन वर्ल्ड बिकॉज़ आप तो वैसे कि वैसे ही हो आई थिंक दैट हैज़ चेंज्ड माय इंटायर वर्ल्ड आई मीन जितना प्यार मिल रहा है जितना लोग प्यार करते हैं जितना, लोग है, जितना लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये कुछ भी करेगी वो लोगों को पसंद आएगा हाँ। ही आएगा उससे दुनिया तो बदलती है लेकिन एक एक जो कहीं ना कहीं वो प्रेशर आता है वो भी बहुत ज्यादा आता है इट्स इज नॉट इजी बिकॉज फिर वो होता है ना यार अब लोगों को ऐसा लगता है मैं जो करूंगी वो चलेगा वट इफ कुछ ना चला तो फिर यू you नो know, वो आप पर आ जाएगा कि शिट अब क्या तो जैसा so, जन्नत हम लोग जब कुछ बनाते हैं तो हम लोग को तो मर मर के कुछ लाइक्स आएंगे तो हम ना रिफ्रेश करते रहते हैं हर पांच मिनट जन्नत कितनी बार रिफ्रेश करती है टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं करती नहीं हूँ इसको रिफ्रेश कितनी बार होता है कि मैं एक दो घंटे के बाद देखती हूँ कि अब क्या हुआ है क्या है नहीं हुआ है बिकॉज वो भी टाइम था जब बहुत करती थी हाँ। जब बहुत खुशी होती थी कि अरे यार पांच सेकेंड में क्यों और इतने हजार बढ़ गए इतने में के इतने हजार बढ़ गए बट अब नहीं करती हूँ यार अब आई थिंक

मुझसे छ साल छोटा है बट अब वो दो साल में इतना बड़ा दिखने लगा है वो इतना लंबा हो गया है मतलब मैं उसके कंधे तक आती उसकी, उसकी आवाज इतनी भारी हो गई है कि मतलब कभी कभी सुबह वो खुद उठ के मुझे बोलते हुआ मुझे, मुझे कौन बोल ओ ओ <laughs> अच्छा आवाज तो एक बहुत सडन मोमेंट होता है अम्मी ने पहले देखा मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ मुझे समझ ही नहीं आया कि इतना बड़ा कब हो गया मतलब <laughs> लुकिंग हिम थी मैंने आज ज्यादा बड़े लग रहे हो लाइक <laughs> like, ऐसे ऐसे, लिटरली में लंबे हो गए मुझे आज ज्यादा बड़े लग रहे हो तो वो मेरे से छह साल छोटा होने के बावजूद अब कई लोगों को लगता है कि मैं उससे छोटी हूँ क्योंकि yeah, मैं छह साल बड़ी हूँ उससे नो दैट इज द कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो आई थिंक ये ये सब मैं ना बहुत क्यूटली ये बोलती हूँ माई हजबेंड इज मी आप तो बदले ही नहीं ऐसे <laughs> <अलापने> <laughs> सीन है um, मुझे सबसे प्यारी बात आपके फैमिली की ये लगती है कि

घर पे जब लोग बात करते हैं स्पेशली मी एंड माई डैड वैन वी लिटरली दो घंटे कहाँ निकलते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हम दो घंटे से बात कर रहे हैं डैडी मैन डैडी इज नॉट इन टाउन मैन डैडी इज नॉट इन दिटी समवेर आउट और मैं डैडी को बात कर रही हूँ और uh, कब कब हम देखते हैं मैं को बोलती डैडी आपको समझ आ रहा है हम एक घंटे से ज्यादा हो गए हमें बात करते हुए एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल दैट व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग हम इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग हम नहीं बात करते हैं कि डैडी यहाँ है नहीं तो चलो मेरा फर्ज है बात कर लेती हूँ बच्चों के साथ होता है हाँ की बात करनी है अब वो भी वहां पर है दूर है बात कर लेते हैं उनसे मेरे साथ हमारे साथ ऐसा इक्वेजन है ही नहीं जब भी मेरी डैडी से बात होती है, जब भी मेरी मम्मा से बात होती है, वो इतनी बातचीत हो जाती है कि बाद में लगता है कि वापस ऐसा लग रहा है दो महीने बाद बात कर रहे हैं। एंड दैट हैपेंस एवरी डे। यार यू हैव टू हेल्प अस। क्या होती हैं ये बातें? मतलब

भी कभी कभी स्ट्रगल करते हैं बात अभी फोन कर ले पर बात क्या करे हुँ. तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज सब लोग के पास कुछ कुछ है बोलने के लिए राइट right. so, सबसे बात तो नहीं कौन है आप सबसे बातों नहीं या मैं मैं और डैडी दोनों हम दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मम्मी और अन और डैडी और मैं हम चारों ऐसे हैं हम चारों ऐसे नहीं है अन हाँ। को बहुत डिफिकल्टी होती है ये चीज में ए, और फिफ्टी ए अभी उसका अलग एज है आई एम ट्वेंटी वन मेरा मुझे मैं समझती हूँ कि मुझे उनसे

नेहा एंड दिस वन उनको लड़का ही नहीं मिल रहा है उसको so, जैसे यू आर हैव थोड़ा दूरी रखो लाइक यू नो यू आर ऑलवेज टुगेदर या कभी ऐसे लगता है कि यू नो इट विल बी टफ फॉर यू टू फाइंड समवन हु विल वाइब विद यू सो वेल योर ब्रदर एंड यू हैव सच अ ग्रेट वाइब या आई नो द होल वर्ल्ड थिंक्स दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड या पता पूछो कि नहीं पूछो नंबर सात का लड़का हम्म हुँ, तो वो है या नहीं 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 कुछ भी नहीं है नहीं मैं मैं सबको हाँ, मैं सबको यही बता बता के थक गई बट सबको अब लगता भी में वही होगा। अब उनका अजम्पशन है अगर अगर अब उनको उनको लगता है तो और अगर उनको ऐसा सोच के खुशी मिलती है और वो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कुछ थंबनेल डाल के व्यूज ले लेते हैं सो दें ले, दें उनको लगता है दीदी यार थोड़ा दूर रहो मुझसे यार मुझे भी गर्लफ्रेंड अब बनानी है ऐसे करता है वो कभी मस्ती

ज़्यादा आदि थे बचपन से टू तो बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बड़े बड़े सेट्स इतने लाइटें वाइटें आज हर चीज़ एक यू you नो know, एक सर्कल लाइट पे पहुँच गई है जी चीज़ें हाउ मच यू मिस दी आर्क लाइट और यू फील कि इट्स गोट कम बैक इट्स फाइन थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ क्या लगता है अभी ये फेज में टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट देर वज दिस टाइम अभी कुछ महीने पहले ही आई वी स्पीकिंग विद माई डैडी एंड आई वज लाइक डैडी एवरी थिंग इज सो नाइस राइट नाउ टच वर्ड एवरी थिंग इज गोइंग यू नो इट्स नॉट लाइक आई हैव टू वर्क फोर्टीन आवर्स थर्टीन आवर्स ट्वेल्व आवर्स एवरी डे माई स्कड्यूल इज नॉट टाइट आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट गो टू एनी ट्रिप आई कैन गो टू द ट्रिप आई कैन एडजस्ट माई वर्क आई एम एट अ स्टेज राइट ना जब मैं बोल सकती हूँ मुझे कल नहीं करना मुझे परसों करना है कल मैं कभी भी छुट्टी ले लो कभी भी भी कुछ भी कर लो काम आई कैन हैंडल अकॉर्डिंग टू मी विच इज सो नाइस और सबको ये यू uh, नो you know, ये नॉट एवरीबडी इज लकी इनफ टू डू थिंग्स लाइक दीज पर तब तो आई टोल्ड ही मैंने कहा डैडी द प्रॉब्लम इज़ नाउ व्हेन आई गो तू द शूट एंड आई फिनिश माय शूट इन टू आर्स ओर थ्री आर्स एंड देन कम बैक आई डोंट गेट दैट सटिसफैक्शन ऑफ़ वर्किंग जैसे आपको जैसे मुझे वो जैसे वो मुझे बारह घंटे काम करके मिलता था मैंने कहा डैड

कभी ऐसा एक डिप्रेशन वाला पॉइंट आया क्योंकि और मैं चाहती हूँ like uh, करना जरूरी mm -hmm. है कि हम जो रोज़ दिखाते हैं कि हम नाच रहे हैं गा रहे हैं, mm -hmm. मजे ले रहे हैं mm -hmm. like है ना आई एम पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम पर्सन अगर कभी लाइफ में डिप्रेशन होगा हाँ. या कभी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस चीज़ को इस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ आई विल नेवर हाइड इट आई विल नेवर हाइड इट आई विल नॉट स्माइल एंड पुट अप माई स्टोरीज आई विल नॉट डांस एंड शो दैम आई एम सो हैप्पी एंड एवरी थिंग इज गोइंग सो कूल राइट नाउ एंड आई एम जस्ट आई एम जस्ट इन अ वेरी हैप्पी प्लेस राइट नाउ नो वैन दे आर एक्चुअली देयर विथ मी वो सारे अप्स एंड डाउन्स में हैं एंड वैन दे फॉलो मी फॉर हु आई एम दे हैव टू नो हु आई एम एंड वॉट इज गोइंग थ्रू इन माई लाइफ एंड वट आई एम फीलिंग ट बी अनफेयर टू मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर जिनको लग रहा है अच्छा ये पंद्रह साल से खुशी है क्या मतलब दुखी होती ही नहीं है क्या इट्स hmm. फेक और अगर ऐसा कोई करता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऐसा सच में नहीं है देर हैव बिन टाइम्स ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो जब बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियोस बन के बहुत ज्यादा हेट वेट आ रहा था मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी फॉर वन वीक आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग ऑन माई सोशल मीडिया एंड आफ्टर अ वीक वेन आई पोस्टेड आई दैट आई वेरी डिप्रेस बिकॉज एवरी थिंग एंड नाउ आई फील बेटर सो आई पोस्टिंग कौन सा कॉमेंट uh, था जो आपको बहुत हर्ट कर गया था कुछ याद है कुछ पर्टिकुलर कमेंट नहीं था बहुत सारी नेगेटिविटी वाज ऑल अराउंड एंड सिंस लॉकडाउन था तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते लोगों से मिल नहीं सकते आप एग्जॉस्ट हैं घर में और द मेजर रीजन दैट आई गॉट वेरी अपसेट वाज बिकॉज इट वाज नॉट ओनली जस्ट मी बट दे इन्वॉल्व माई फैमिली दे ऑल्सोल्ड आन सो लिटिल मतलब नाउ ही लुक्स लाइक अ ग्रोन अप बट ही वॉज ऑब्वियसली ही वीज अ चाइल्ड ही ट्वेल्व ईयर ओल्ड

कैसे आपने प्रोटेक्ट किया जनत और जो लोग अभी सब देख रहे हैं क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया में एक्सपोज फील करते हैं यू you नो know, जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि लाइक्स नहीं लाइक्स नहीं आ रहे हैं किसी ने मेरा मजाक उड़ाया किसी ने मुझे कुछ कुछ बुलाया हुँ. जो भी है तो वॉट्स ए मैसेज तो बहुत लोग बुली होते हैं हाँ हाँ बहुत बुली होते हैं मुझे पता है एंड uh, देखिए बोलना तो बहुत आसान है कि इग्नोर कर दो

इनफैक्ट जब डालने के बाद मैंने वो भी पोस्ट डाला जिसमें वो लिखा कैप्शन उसमें भी उनको प्रॉब्लम थी क्या बता क्यों रहे हो अरे मेरी मर्जी ना मेरी मर्जी में बता रही हूँ तो उनको हर चीज में प्रॉब्लम है बट या पीपल जिनको ऐसा लगता है वो अपना सेल्फ डाउट करने लगते हैं लाइक्स का मारे मतलब मे बी आई एम नॉट गुड नाफ मे बी आई एम नॉट फिटिंग नाफ आई शुड पुट दिस फिल्टर बिकॉज शायद मुझे ऐसे पसंद नहीं करेंगे लोग ये वो आई थिंक ये बहुत बड़ा मिसकनसेप्शन हो चुका है

Uh, बिना हेयर किए बिना मेकअप किए hmm. बिना हील्स uh, yeah. के निकली हूं आप मैंने कितनी बार मैं ऐसे बुरी हालत में पैप हुई हूँ हु। मोस्टली जब मैं एयरपोर्ट पर पैप हुई हूँ हु, आप मेरे लुक्स देखिएगा मुझे पता होता है कि यूजुअली कभी हो सकते हैं एयरपोर्ट पे पैपराजीज मोस्टली होते हैं बट यू जस्ट लुक एट माई लुक बिकॉज आई नो आई कॉन्ट ट्रेवल सच सिट इन द फ्लाइट फॉर आवर्स लाइक दैट बट आई आई गेट रेडी बन आई आई फील लाइक गेटिंग रेडी

When I feel like doing. कई बार हुआ है जब मुझे लगता है यार नहीं करना नींद से उठी हूँ बस मुझे बाल बंद करके बस जाना है लिब्बाम लुभा के मैं वैसे भी जाती हूँ सो आई थिंक देर इज नो हार्म इन बींग योर सेल्फ एंड दस हु उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो आपको फिल्टर में देखेंगे आपको आपको लगाए देखेंगे तभी वो आपको पसंद करेंगे आप बात कर रही हो ना तो मुझे करीना की याद आ रही है like कन्या राशि की है जन्नत किसको देख के थोड़ा रिलेट करती हैं uh, को कौन है इंटरनेट पे जिसको देख के <coughs> आपको

चश्मा पहने बैठे हैं वो भी सब उसके इन्फ्लुस में उनके पिताजी है <coughs> क्योंकि शक्ति कपूर जो ही सेल्स कि यार तुम लोग जो इतने कंज्यूमरिज्म में भूलते हो ना कि हर टाइम कुछ नया चाहिए तड़कता भड़कता पहनना है तुम इसमें कितने पैसे और एफर्ट गवाते हो यार कि, कितना मॉब होते हो आज यार बिकॉज यूर ऑल द मोस्ट फॉलोअ पर्सन कितना मॉबिंग होता है आपके साथ यहाँ और दुबई में आ, तो बहुत अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो देखिए मॉब कब होता है अगर या तो मैं कभी मॉल गई

To huh. click the pictures and to talk, you and talk on the phone. So, it's good, no? <laughs> good life for you. Then. Yeah. <laughs> I don't want to get trolled after this interview <laughs> that I'm doing. I've spoken so much about not getting depressed and this and take <laughs> your time.